हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीटीएस सॉल्यूशन। आज मैं एक कस्टमर का कंप्लेंट सॉल्व करने आया हूं। आप लोग देख सकते हैं, ये जो एयरटेल का डीटीएस है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। जो नया मैकेनिक है वो ध्यान से वीडियो देखिए तो आप लोग भी सीख जाएंगे। इसमें पूरा डिटेल्स आप लोगों को बताऊँगा, कैसे सेट करना है, क्या करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम तो दिखा नहीं सकता क्योंकि अभी पावर कट हो गया है। मैं यहाँ एक घंटा हो गया आया हूँ और एक घंटा हो गया यहाँ पे पावर नहीं आ रहा है, तो सोचा कि प्रॉब्लम बिना दिखाए आपको मैं इसका सॉल्यूशन बता दूँ। तो इसमें नो सिग्नल बता रहा है, तो नो सिग्नल का तीन रीज़न हो सकता है। पहला रीज़न, एंटीना घूम गया होगा तो उसमें प्रॉब्लम आएगा। दूसरा, केबल में प्रॉब्लम होगा तो भी उसमें नो सिग्नल बताएगा। और तीसरा, आप लोगों को बता रहा हूँ, सेटअप बॉक्स में कुछ प्रॉब्लम होगा। एंटीना सही होगा, केबल सही होगा, सेटअप बॉक्स में भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो भी उसमें नो सिग्नल दिखाएगा। तो अभी तो पावर कट हो गया है तो मैं यहाँ एंटीना से चेक करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं LNB पे टेस्टिंग केबल लगा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा टेस्टिंग केबल, इसे मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, मैं मीटर पे आप लोग को इसका सिग्नल दिखा रहा हूँ। देखिए, मैंने एयरटेल का सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पे देखिए, सिग्नल कुछ भी नहीं दे रहा है। क्वालिटी जो है जीरो है और स्ट्रेंथ जो है 50% दिखा रहा है। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें हम लोग को इसका LNB देखना है। इसका जो LNB है ये रहेगा, आप लोग को मैं बता देता हूँ, ये रहेगा -47 degrees। तो ये अभी 00 पे ही है, तो मैं सोचता हूँ कि प्रॉब्लम इसी में ही होगा। तो चलिए पहले इसको सेट करते हैं। तो -47 degrees पे हमें रखना है, उसके बाद हमें देखना होगा इसका सिग्नल कितना परसेंट दे रहा है। तो फ्रेंड्स, हमने LNB को सेट कर दिया -47 degrees पे, अभी भी सिग्नल नहीं दे रहा है। हमें फिर क्या चेक करना होगा, इसका डायरेक्शन जो है वो देखना होगा। ये इसका जो है 128 degrees पे इसका डायरेक्शन रहता है, डिस्क का जो 128 degrees पे ये रहता है। तो पहले आप लोग को क्या करना होगा, अपना मोबाइल ले लीजिए, उसमें कंपास निकालिए और कंपास में 128 degrees बनाइए। वो जो एंगल पे 128 degrees दिखा रहा है उसी एंगल की तरफ ये फेस करके रहेगा। तो सामने 128 degrees के सामने आप कोई घर हो या पेड़ हो, जो भी हो, उसे मतलब अंदाजा से उसे मार्क कर लीजिए, फिर उसी की तरफ इसका फेस रहना होगा। तो चलिए मैं 128 करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये फ्रेंड्स, इसका जो एजीमूथ है 128 degrees रहेगा और इसका एलिवेशन है 54 degrees पर रहेगा। और LNB का आप लोगों को बता दिया, -47 degrees पर रहेगा।
फ्रेंड्स, अभी मेरा 54% सिग्नल आ गया है। इसे और थोड़ा सेटिंग करूँगा तो सिग्नल बढ़ जाएगा। और तो चलिए मैं इसे और सेट करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। इससे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा टाइट कर देता हूँ, आप लोग भी इसे टाइट कर दीजिएगा तो घुमाने में थोड़ा सही रहेगा। तो आ ही जाता है फ्रेंड्स, 65% सिग्नल आ जाता है फिर वापस चला जाता है, तो उसे सेट करना होगा हमें। अभी थोड़ा मैंने एंटीना को राइट घुमाया और ये इसका जो एलिवेशन है उसे थोड़ा मैं ऊपर नीचे करूँगा। देखिए मैं धीरे धीरे ऊपर ले रहा हूँ तो सिग्नल बढ़ता जा रहा है। अभी मेरा 67% हो गया है तो मैं यहाँ थोड़ा टाइट कर दूंगा इसे। तो फ्रेंड्स 66% आया था मेरा सिग्नल, अभी कम हो गया थोड़ा, मैं फिर से लेफ्ट लूंगा। धीरे धीरे लेना होगा नहीं तो सिग्नल गड़बड़ी हो जाएगा। अभी ये 65% आ रहा है, अभी मैं LNB को थोड़ा सेट करूंगा। तो LNB को साइड से हम लोग सेट करेंगे क्योंकि ऊपर से हाथ लेंगे तो सिग्नल कम हो जाता है, तो मैं साइड से सेट कर रहा हूं इसे। तो फ्रेंड्स इसका जो एलिवेशन है थोड़ा सा हल्का सा ऊपर लेता हूँ तो ये 70% सिग्नल दे रहा है, तो मैं इसे थोड़ा ऊपर ले रहा हूँ। अभी यहाँ पे मैं इसे कस दूंगा। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को मीटर पे दिखा देता हूँ इसमें सिग्नल कितना दे रहा है। ये आप लोग देख पा रहे हैं 60-70 हो रहा है, तो मेरा सिग्नल ठीक हो गया इसमें। अब फ्रेंड्स मेरा सिग्नल सही हो गया, 68% आ गया है सिग्नल। अभी मैंने एंटीना को पूरा अच्छा से कस दिया है, अभी से मैं निकाल दूंगा अपना जो मटेरियल है सब निकाल दूंगा और जो घर का केबल गया हुआ है, घर पे जो गया हुआ है उसी को मैं कनेक्ट कर दूंगा। तो मैंने अपना टेस्टिंग केबल निकाल दिया, पूरा 1.5 घंटा मुझे इसी घर पे इंतजार करना पड़ा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे पावर नहीं था। मैं जैसे ही घर पे आया तो उससे पहले पावर कट हो चुका था। मैं यहाँ आया 10:30 बजे और 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक मैंने इंतजार किया 1.5 घंटा, क्योंकि मेरे मीटर में भी चार्ज नहीं था, नहीं तो मैं बना के सेट करके चला जाता, लेकिन मीटर में भी चार्ज नहीं था इसलिए मुझे 1.5 घंटा इंतज़ार करना पड़ा। और आप लोग के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और जो नया मैकेनिक है उन लोगों को अगर सीखना हो तो मेरा वीडियो से सीख सकते हैं। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसमें आप लोग ज्वाइन कीजिए। जो भी कोई डाउट होता है या कुछ पूछना हो तो मुझे
व्हाट्सएप पे पूछिए, क्योंकि ज़्यादा कॉल मैं अटेंड नहीं करता हूँ, फ़ोन रिसीव नहीं करता हूँ मैं, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे मैसेज दीजिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा आप लोगों को। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं घर की ओर और टीवी पे देखेंगे क्या प्रॉब्लम दिखा रहा है।